नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिले में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने बड़ा मलहरा पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्रपुर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और महाराजा कॉलेज के विलय को ऐतिहासिक निर्णय बताया। इस दौरान यहां पर कांग्रेस के कुछ नेता इस मामले का विरोध दर्ज करने गए थे, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री ने इन लोगों से मिलने के लिए समय नहीं दिया और उससे बिना मिले ही यहां से चले गए। इस बात को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखन पटेल ने तीखा विरोध प्रकट किया है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय के विकास के लिए एक चलायमान महाविद्यालय की आवश्यकता होती है। सरकार ने शहडोल और उज्जैन में भी यही कदम उठाए हैं। महाराजा कॉलेज का विश्वविद्यालय में विलय होने के बाद यहां पहले 4 कोर्स के मुकाबले अब 16 नए कोर्स शुरू होंगे। निर्माण कार्यों के लिए भी बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का विरोध उन कांग्रेसियों द्वारा किया जा रहा है जिन्होंने अपनी 1.5 साल की सरकार में यूनिवर्सिटी भवन के निर्माण के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। कोई किसी का आक्रोश नहीं है। 2014 में जो विश्वविद्यालय खुला, उस विश्वविद्यालय का विस्तारीकरण करने का पहला चरण यही होता। जहाँ भी नई विश्वविद्यालय खुलता है, उसका विश्वविद्यालय कैंपस चलायमान जो हमारे महाविद्यालय होते हैं उनको UTD में बदलते हैं, ताकि वहाँ पे विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की डिग्री मिलना प्रारंभ होती है। नए नए विषय खोलते हैं, जैसे लगभग 20 विषय भी हमने खोले हैं, और उम्मीद कर रहा आने वाले समय में इसका और विस्तारीकरण विकास करेंगे। जिस किसी ने भी कहा है तो वो उनकी कांग्रेस की सरकार 1.5 साल रही है, उनने कुछ किया है क्या? एक पैसा दिया है क्या? विश्वविद्यालय तो तब भी था जब BJP काम करने जाए। पिछली बार 4 सब्जेक्ट खोले, इस बार 16 नए विषय खोले, और आने वाले समय में हम निर्माण कार्य करा के और भी बहुत सारे काम कराने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय का विकास होगा, क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा, और महाराजा छत्रसाल के नाम पे जो विश्वविद्यालय स्थापित हो उसकी गरिमा और गौरव की रक्षा करना ये हम सबका काम है, हम उस पर करेंगे जरूर। महाराजा कॉलेज के विलय को वापस लिए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखनलाल पटेल और बड़ा मलहरा की कांग्रेस नेत्री रामसिया भारती के नेतृत्व में कई कांग्रेस नेता पूर्व नियोजित घोषणा के मुताबिक उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेताओं का ज्ञापन नहीं लिया और बिना मिले चले गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन पटेल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार कुछ भी स्पष्ट तौर पर बोलने से बचती नजर आती है। दरअसल यहां जो बात की गई है कि 16 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि अभी इस स्थिति में जहां महाराजा कॉलेज में 10,000 से 12,000 छात्र संख्या रजिस्टर्ड है और महाराजा कॉलेज में इतने छात्रों के बिठाने के लिए ही पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, ऐसी स्थिति में 16 अन्य कोर्स खोले जाने के बाद आखिरकार वे छात्र किस जगह पर बैठकर अध्ययन और अध्यापन कार्य कर सकेंगे? इसके अलावा यहां पर स्टाफ की भारी कमी है और इस स्थिति में इस बारे में भी कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इस बात के कि इसे एक ऐतिहासिक निर्णय बताया जा रहा है। और यह बात भी कही जा रही है कि किसी भी विश्वविद्यालय के लिए पहले से एक महाविद्यालय होना जरूरी है, जिसके लिए 2 उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में इनके अलावा और कहीं भी इस तरह के उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं।